तो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आई होप ये आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग के फ़ोन में इस तरह कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कोई ऐप को आप लोग ओपन करने के लिए खोज रहे हैं तो आपको देखने को मिलता है ऐप इज नॉट इंस्टॉल्ड, आप स्क्रीन पर देख पर इंस्टॉल, जैसे इस जैसे हम मैसेज जीमेल को ओपन करने खोजते तो इस तरह आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है ऐप इज नॉट इंस्टॉल, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और आप लोग के फ़ोन में इस तरह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, कोई भी ऐप को ओपन करने इस तरह प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड इस वीडियो में आप लोग हम बताने वाले हैं इसको कैसे आप लोग को ठीक करना और आपको लाइव पर आपको ठीक करके दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिले तो सिंपली इसको आप लोग को ठीक करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको फ़ोन सेटिंग, जो आपका फ़ोन सेटिंग है, सिंपली आपको फ़ोन सेटिंग में चले आना है। जैसे लोग फोन सेटिंग में चले गए तो आपके सामने इस तरह फिर देखने को मिल जाएगा। इसलिए क्या करना, हम लॉक को खोलते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लॉक को खोलते हैं। लॉक को खोलने के बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो सिंपली आपको सेटिंग में आ जाए। जैसे आप सेटिंग में आ जाए, आप लोग को स्क्वाड ऑन करना है। जैसे आप स्क्वाड ऑन करें, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगी, आपको ऐप का ऑप्शन। सिंपली आपको दोस्तों आपको ऐप ऑप्शन पे आप लोग को यहाँ आप लोग को टच करना है। जैसे ऐप ऑप्शन पे आप लोग टच करेंगे तो आपके सामने इस तरह फेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको जाना है मैनेज ऐप, इस पर आप लोग को चले जाएंगे। जैसे आप लोग मैनेज ऐप सेक्शन पर चले जाएंगे तो आपके सामने इस तरह फेस देखने को मिल जाएगा। तो इसका क्या करना है, सिंपली आपको एक चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, आपको थ्री डॉट पे टच करना है, वहाँ शो ऑल ऐप पे करना है। शो ऑल ऐप पे करने के बाद आप जैसे जिस ऐप को ओपन करना है, आपको ऐप नॉट इंस्टॉल का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो उस ऐप को सिंपली आपको सर्च करना। जैसे हम सर्च कर रहे हैं जीमेल में मुझे प्रॉब्लम आता है, हम जीमेल को यहाँ से सर्च कर लिए, नीचे मेरा जीमेल आ गया, इस पर आप लोग को टच करना है। इसको सबसे पहले आपको यहाँ से फेस स्टॉप करना है और यहाँ से आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर ऑल टर्निंग करना है। क्लियर कैच करने के बाद स्टेज पे जाना, यहाँ से इसको भी आपको क्लियर कैच कर देना है, क्लियर ऑल्टरनेट करना है। इतना करने के उसके आपको फ़ोन को एक बार आपको स्विच ऑफ करना है, उसके आपको फ़ोन को स्विच ऑन करना है। स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग को बैक आना, बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना, फ़ोन का नेट को चालू कर लेना है। नेट को चालू करके दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लें। जैसे प्ले स्टोर को ओपन कर लें तो आपसे इस तरह फिर देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको आपको जीमेल आईडी सेक्शन पे टच करना है और अरे आपको देखने मिलता है ऐप मैनेज, इस पे आप लोग को टच करना है। इस पे आप लोग टच करेंगे तो आपसे इस तरह फिर देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखने मिलता है अपडेट अवेलेबल, चले जाना है और यहाँ सिंपली आपको देखना मुझे जीमेल को आप लोग को आप लोग अगर अपडेट जीमेल को आप लोग को अपडेट करना जी, जो आप आपको अपडेट करेंगे फोन को स्विच ऑफ स्विच ऑन करना। इतना करेंगे दोस्तों तो आपका 110% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको हम जीमेल को ओपन करके दिखा पा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख, कुछ हम सिक्योरिटी के लिए हाथ से ब्लर करते हैं, हम लॉक को खोल रहे हैं और मेरा जीमेल भी काम करने लगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लॉक मांग रहा है लेकिन मैं जीमेल काम करने लगा। तो फ्रेंड इस तरह दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को हेल्पफुल लगा होगा, तो मैं सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस तरह होते रहता है और कोई प्रॉब्लम आप लोग कमेंट करेंगे हम 110% वीडियो बना देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड हम चलते हैं, वीडियो को हम एंड करते हैं। तो आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे, हम वीडियो बना देंगे फ्रेंड।